दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। गुरुवार को तुलसी में चढ़ा दें यह दो चीज, खींची चली आएंगी माँ लक्ष्मी आपके घर, पैसों से हमेशा भरी रहेगी तिजोरी। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। दोस्तों तुलसी माँ का ये जो मंत्र है, आप अगर प्रतिदिन तुलसी पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते ही होते हैं। साथ ही साथ आपकी जो परेशानी है वह माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य हमेशा वास करेंगी। श्री विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होती है, घर से दुख दरिद्रता बीमारियां नकारात्मकता की जो ऊर्जा है वो दूर होती है। तो बहुत ही प्रभावशाली है माँ तुलसी का यह मंत्र और प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं माँ तुलसी को जल देते हैं तो इस मंत्र को आप जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वह हमारी कामना माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु जी का प्रिय दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी को भगवान श्री हरि विष्णु जी दूर करते हैं। और श्री हरि विष्णु जी को प्रिय है तुलसी। तुलसी को हरि बल्लभा भी कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी गरीबी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता और उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तो जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी रहती है, घर में आपस में प्रेम व्यवहार बना रहता है, सभी सदस्यों के बीच में दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है, तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। मतलब अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, आप तुलसी की पूजा नित्य करते हैं, आपके घर में तुलसी लगी है और प्रतिदिन और उन्हें जल देते हैं, शाम को दीप दान कर रहे हैं तुलसी के नीचे, वहां बैठकर आप माँ तुलसी के मंत्र का जाप करें या श्री हरि विष्णु जी के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु जी और माँ तुलसी दूर करती हैं। जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं श्री विष्णु जी की कृपा स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी वहाँ वास करती हैं। जहाँ पर श्री हरि विष्णु जी वास करते हैं, जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी जी का हमारे घर में स्थिर वास रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, कर्ज में घिरे हुए हैं, धन का अभाव है, आपके व्यापार में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है, व्यापार आपका रुका हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा या आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मन चाही नौकरी की तमन्ना है, कामना है, इच्छा है, पर आपको प्राप्त नहीं हो रही, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कोई भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा जय माँ हरि बल्लभा तुलसी माता, जय माँ लक्ष्मी। तो बात करें तुलसी की, अगर आपके घर में तुलसी है तो उनका ध्यान आपको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। कई लोग तुलसी के पास जूता चप्पल वगैरह उतार देते हैं, फटे कपड़े वगैरह रख देते हैं, ऐसी चीज ना करें और आप तुलसी माँ का लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानकर उनकी पूजा करें। तुलसी का ध्यान आपको उसी तरह से रखना चाहिए जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी का ध्यान रखते हैं। तुलसी को माँ लक्ष्मी
स्वरूपा मानकर ही साफ सुथरी शुद्ध जगह पर रखना चाहिए। नित्य पूजा करना चाहिए। तुलसी में चुनरी जरूर ओढ़ाना चाहिए, यानी कि जरूर उनके ऊपर रखना चाहिए। चुनरी जरूर होनी चाहिए, बगैर चुनरी की तुलसी माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी के ऊपर चुनरी हमेशा चढ़ी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक चुनरी यानी कि देख रहे हैं कि वो फट गई है या पुरानी हो गई है, उसका रंग उतर गया है, तो दूसरी चुनरी आप किसी भी शुभ दिन पर, जैसे कि गुरुवार, शुक्रवार या फिर एकादशी के दिन, आप जरूर उनको नई चुनरी, लाल चुनरी डाल दी जाए, यानी कि उनके ऊपर उड़ा दिया जाए, डाल दी जाए। क्योंकि तुलसी को सौभाग्य वर्धनी कहा गया है। तुलसी पर जब हम लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा नित्य रूप से करनी चाहिए। सुबह आपको जल देना चाहिए, शाम को दीप दान करना चाहिए। विधि विधान से आप साफ सुथरी जगह पर उनको रखें। कई लोग कहते हैं कि तुलसी के पौधे में पीपल का पौधा उगाया या फिर कोई दूसरा पौधा उगाया तो वह बड़ा, यानी कि बड़ा हो गया, ऐसा नहीं कीजिए। तुलसी में कभी भी तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधा या फिर दूसरी कोई भी पौधा नहीं लगा होना चाहिए। तुलसी के पास आप फूल पौधे लगा सकते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, या फिर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगा हो तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी के पास अगर केले का पौधा होता है तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का स्थिर वास आपके घर में बना रहता है, क्योंकि विष्णु जी का स्वरूप माना गया है केले के पौधे को। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी उस गमले के अंदर, यानी कि तुलसी के गमले के अंदर कोई भी घास या फिर कोई भी पौधा उगा हो तो आप उसे तुरंत हटाएं। साफ सुथरा तुलसी का गमला होना चाहिए, और तुलसी के गमले में हमें कोई दूसरी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी जब हम पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और तुलसी घर में, तुलसी घर में रखने से बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन वो फायदे हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम तुलसी का रख रखाव अच्छी तरह से करते हैं। दोस्तों, बात करें तुलसी की गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए, तो देखिए गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र, जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का दिन है, बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र को धारण कर किए जाते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होते हैं कुंडली में, और श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पीला वस्त्र धारण करें और उसके बाद आपको माँ तुलसी जी के पास जाना है, जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा लगाया है। तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद आपको तुलसी की पूजा करनी है। तो आप जो गुरुवार के दिन है उस दिन एक विशेष पूजा विधि होती है। तुलसी में आप एक कच्चा दूध अर्पित कर दें, डाल दें। कच्चा दूध अगर आप यानी कि गाय का मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय का दूध ना मिले तो कोई भी दूध यानी ले सकते हैं, कच्चा दूध होना चाहिए, पका दूध बिल्कुल ना हो। और ध्यान रखिएगा, दूध आपको अगर जैसे कि पॉलिथीन वाला मिल जाता है, पैकेट वाला, तो चलेगा, लेकिन कच्चा होना चाहिए, उसमें जल नहीं मिलाना चाहिए। आपको यह बात ध्यान रखना है, बिना जल मिलाए थोड़ा सा कच्चा दूध आपको माँ तुलसी के गमले में, तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। धीरे धीरे यह दूध तुलसी के जड़ में अर्पित करें, और चांदी का अगर पात्र मिल जाए तो चांदी के पात्र से अगर आप अर्पित करें तो सर्वश्रेष्ठ माना गया जाता है। लेकिन अगर चांदी के पात्र नहीं है तो तुलसी में आप स्टील के बर्तन से भी दे सकते हैं। तुलसी में दूध अर्पित किया जाए तो धन समृद्धि अपार कृपा प्राप्त होती है, बरसती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। फिर थोड़ी सी आप हल्दी डाल दें, यानी कि एक लोटा जल लें, थोड़ी सी हल्दी डालकर तुलसी की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें। थोड़ी सी आप अलग से हल्दी यानी कि पिसी हुई हल्दी आप रख दें, यानी कि तुलसी की जड़ में डाल दें, और फिर आप तुलसी की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्प ना हो तो लाल पुष्प भी आप यानी कि डाल दें, वैसे चाहें तो पुष्पों की माला बनाकर आप माता को चढ़ा दें। लाल पुष्प, पीले पुष्प कोई भी हो अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ तुलसी के पास बैठकर माँ तुलसी के मंत्र का जाप करें। तुलसी की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए और माँ का स्त्रोत का पाठ करें, माँ की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, इस दिन आप लाल मौली धागा भी जरूर बांध दें
माँ तुलसी के ऊपर बहुत ही लाभदायक होता है। तुलसी में आप 1 रुपए का सिक्का, 2 लौंग और इलायची और 1 सुपारी चढ़ा दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके जीवन के समस्त धन संबंधित कष्ट दूर होते हैं। जीवन में इतना धन बरसता कि आपके घर में पैसों की बारिश हो जाती है। माँ लक्ष्मी जी स्वतः ही आपके घर में वास करती हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें, बहुत ही कल्याणकारी उपाय है, लाभकारी उपाय है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। साथ ही कमेंट में लिखेगा जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी।